बस एक ही काम करना है, बस कैसे भी करके खत्म कर दूं उसको। बाबा जी की सदा ही जय हो। आपके अंदर जो भगवान है उसे दुनिया के सामने निकाल के रखूंगी। आप तो हमारी उम्मीद से बहुत ऊपर निकले। ला गया ये सांड। जिंदा। बीते कुछ वक्त में ऐसी दमदार वेब सीरीज रिलीज हुई है जिन्होंने दर्शकों के एंटरटेनमेंट लेवल को आगे ले जाने का काम किया है और उनके अगले पार्ट के लिए दर्शकों ने खूब बेसब्री से इंतजार किया है। ऐसी ही एक वेब सीरीज है आश्रम, और आश्रम 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, यानी कि एक बार फिर से काशीपुर वाले बाबा का साम्राज्य लौट आया है। एक बार फिर से कानों में जपनाम की आवाजें गूंजेंगी, एक बार फिर से बाबा के काले मनसूबों का फैलेगा माया जाल, और एक बार फिर से बाबा की अंधे नगरी में जुर्म मचाएगी हाहाकार। आश्रम 3 का ट्रेलर काफी बेहतरीन है और सोशल मीडिया यूजर्स से उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आश्रम 3 में एक बार फिर से बॉबी देओल बाबा निराला के किरदार में नजर आ रहे हैं। आश्रम के तीसरे सीजन का नाम एक बदनाम आश्रम 3 रखा गया है। ट्रेलर में देखा जा सकता है कि बाबा निराला लौट आया है, जो इस बार और शक्तिशाली और चतुर है तो इस बार सिर्फ बाबा का चोला ओढ़े नहीं बल्कि कलयुग का भगवान बनकर खुल्लम खुल्ला की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, क्योंकि अब तो ये आश्रम एक बदनाम आश्रम हो गया है। इस वेब सीरीज में बॉबी देओल एक लीड रोल में है। इस MX ओरिजिनल सीरीज के सभी एपिसोड MX प्लेयर पर फ्री में स्ट्रीम होंगे, जो कि 3 जून 2022 को शुरू होगा। बाबा निराला ने कहा है, निडर बनो, अब सत्ता के लिए उसकी लालच तेज हो गई है जिससे वह अजय हो गया है। वह विश्वास करता है सबसे ऊपर होने का और सोचता है कि वह भगवान है। आश्रम की शक्ति चरम पर है। इस बदनाम आश्रम में महिलाओं का शोषण जारी है, नशीली दवाओं के व्यापार में लिप्त है और ये शहर की राजनीति की नियंत्रित करते हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान निराला से बदला लेने के लिए पम्मी की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। क्या उजागर सिंह पम्मी को न्याय दिलाने और बदनाम आश्रम का पर्दाफाश करने में मदद कर पाएंगे? तो इसके लिए हमको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी अपडेट। ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।